हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो एसएससी सीजीएल 2020 के मार्क्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है किस शिफ्ट में कितने कितने नंबर बढ़े हैं जो हमने एनालिसिस किया था और जो फाइनल एक्चुअल कट ऑफ आई है उसमें कितना डिफरेंस आया है सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस शिफ्ट में कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हो पा रहा है वो भी देख लेंगे जिससे कि अगर आप अगले साल की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा जो कट ऑफ हमें दिखती है एक नंबर वो एक्चुअली में एक नंबर नहीं है कट ऑफ हमारे उससे काफी ज्यादा कम है एक सौ सत्रह नंबर के आसपास हमारी एक्चुअल कट ऑफ गई है अगर मैं रोज स्कोर के बेसिस पे बात करता हूँ कंबाइंड अगर सभी शिफ्ट का हम एवरेज निकाल लें तो सबसे पहले तो यहाँ पे इस बार कॉम्पिटिशन टीयर वन के बेसिस पर अगर मैं देखता हूँ काफी कम रहा है सी के अंदर इसके पीछे मेन रीजन ये भी था कि जो एस्पिरेंट्स अपियर हुए थे एग्जाम में वो सिर्फ सेवन लैख अपियर हुए थे जबकि जनरली पिछले साल सेम जितने बीस लाख लोगों ने फॉर्म भरा था दो में भी और दस लाख बच्चे अपियर हुए थे तो इस बार काफी कम अटेंडेंस की वजह से कट ऑफ में भी गिरावट देखने को मिली है और आगे अब मैं कि करके सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ ठीक है इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देनी है जैसे डी ट्रेप्लेसबी का अगर आपने एग्जाम दिया हो अभी 17 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में तो उसकी आंसर क्या आउट हो चुकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ये सारे एग्जाम से जो कराए गए थे ठीक है जैसे कि आपको पता है मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में सारी कंपाइलेशन प्रोवाइड कर देता हूँ एस की या रेलवे की अभी जो होंगी तो आगे से रेलवे की भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी और डी ट्रेप्लेस बी के अभी कुछ पहले भी मैंने आपको प्रिंटेबल कंपाइलेशन प्रोवाइड करी थी तो अगर आपको डिटेल इन सभी की प्रिंटेबल फॉर्मेट में कंपाइलेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आप अपनी आंसर की वहां पे पेस्ट कर सकते हैं जिससे कि मैं प्रिंटेबल कंपाइलेशन आपकी बना पाऊँ डाउनलोड करके आपकी आंसर की इसको ठीक है उसके लिए करना क्या होगा ये फॉर्म है आप इसे फिल करेंगे इसमें ज्यादा कुछ मांगा नहीं है यहाँ पे लिंक भी दे रखा है आप इस लिंक पे जाके अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं वहां पर आपकी डिटेल मांगेगा आप आंसर की डाउनलोड करेंगे आंसर की का जो ऊपर वाला लिंक है ये वाला ये आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है तो यहाँ पे आप एग्जाम वगैरह सेलेक्ट करके ये कर दोगे बस इतना काम करना है कल तक मैं आपको इसकी सारी आंसर टी की कंपाइलिशंस प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है बाकी कोई और एग्जाम भी होते हैं तो आप मुझे उसका भी बता दिया करें जिससे कि मैं आपको आंसर की आ, की कंपाइलेशन सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल मॉक फॉर्म में दे सकूं ठीक है अब कट ऑफ पे आते हैं कि कट ऑफ कितनी गई है देखो ये हमने अभी चार पाँच दिन पहले जब रिजल्ट आया था तभी क्लियर हो गया था कि अनरिजर्व कैटेगरी की हमारी कट ऑफ गई है वन थर्टी टू पॉइंट थ्री सेवन मार्क्स ठीक है इसमें जो कैंडिडेट्स अवेलेबल थे वो इतने इतने हैं तो बीस हजार तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं अगर मैं अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट्स भी बना दूं जो यू आर से ज्यादा मार्क्स लेके आ रहे हैं वो हमारे पास है इकतीस हजार सात सौ इकतीस जिसमें ओबीसी कैटेगरी एससी कैटेगरी के, के सारे कैंडिडेट्स जो यू के इससे ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे दिख रहा है आपको डेटा अब ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये एनालाइज करने के के लिए कि कंपटीशन कितना है ठीक है है ठीक क्योंकि आपको पता वैकेंसीज वैकेंसीज बारे में कैसी कैटेगरी 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 की कितनी की की कितनी ओबीसी और आप देख सकते हैं कि एक से ज्यादा नंबर लाने वाले ही इतने हैं तो चाहे आपकी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी भी कम चली जाए आपको ये तो पता चल रहा है ना कितने लोग आपसे आगे चल रहे हैं ऑलरेडी ठीक है तो कम से कम कितना आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा इसके बारे में और डिटेल में मैं एक्सप्लेन लास्ट में करूंगा बट फिलहाल ये समझ के चले कि एक से ज्यादा स्कोर करने वाले यहां पे बत्तीस हजार तीन सौ तीन कैंडिडेट है ठीक अगर मैं बात करता हूं तो, टो, टोटल एक लाख चौदह हजार एक सौ पैंतीस कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया गया जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने एक चीज देखी थी जो पिछले साल अगर मैं वैकेंसीज को कंपेयर करूं तो वैकेंसीज हमारे पास 2019 में इतनी थी और टीयर को क्वालिफाई करने वाले हमारे पास इतने कैंडिडेट्स थे ठीक है अगर 2020 में देखता हूं तो वैकेंसीज हमारे पास 2019 से कम है तो उसी प्रपोर्शन में कैंडिडेट्स बुलाई जाएंगे ये एक्सपेक्टेड था

सेफ स्कोर बताया था उसमें भी साढ़े चार नंबर का ही गैप है तो मतलब जिस शिफ्ट में लगभग जितने नंबर भरने चाहिए थे लगभग वैसे ही बढ़े सिर्फ एक शिफ्ट को छोड़ के दैट इज सत्रह अगस्त की शिफ्ट हो जिसके अंदर जो हमारी सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट बन गई जबकि जो अभी भी मैंने सर्वे कराया उसके अंदर जो लोगों का एवरेज स्कोर है शिफ्ट में इतना ज्यादा कम नहीं है कि वो हार्डेस्ट शिफ्ट हो बट स्टिल वो हार्डेस्ट शिफ्ट बन गई है उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि उस शिफ्ट में जो एग्जाम पड़ा हो वो ईस्टर्न रीजन या फिर नॉर्दर्न रीजन के कम लोग अपियर हुए एग्जामिनेशन में और अदर रीजन के लोग ज्यादा अपियर हुए हुए या फिर उसमें बहुत लिमिटेड लोगों को एग्जाम कराया गया हो जिसकी वजह से चीजें हुई हैं कि वो अपने आप हार्डेड शिफ्ट बन गए जबकि एक्चुअली में पेपर का लेवल इतना ज्यादा हार्ड नहीं था ठीक बाकी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे यू अनिजर्व कैटेगरी का ये है ईडब्लू एस कैटेगरी का ये ओबीसी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड थी एस सी एस टी कैटेगरी की बाकी कैटेगरीज की आप यहाँ से देख सकते हैं तो वही थोड़ा थोड़ा गैप बाकी कैटेगरीज में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक अगर मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पे तो जो सर्वे कराया गया था अभी इसमें लगभग छह हजार हाँ लोगों ने पार्टिसिपेट करा ठीक है तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितने लोग थे ऑर्जेंटल रिजर्वेशन से बहुत ही कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका जो डेटा हैरिजेंटल रिजर्वेशन एक्सप्रेट का वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आप वहां से एक बार चेक कर लेना ठीक है क्योंकि यहाँ पे उसको एनलिसिस करने से कोई फायदा नहीं गिनी चुनी एंट्रीज है उसका कुछ भी नहीं पता चलेगा तो आप का जो डेटा है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा ठीक अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये जो जो डे वाइज और शिफ्ट वाइज कितने कितने लोग अपियर हुए हैं तो यहाँ पे आप ये चक्री सी बन रही है इसमें दिख रहा है सभी शिफ्ट में लगभग मोर और लेस सेम से ही सर्वे में लोगों ने पार्टिसिपेट किया एग्जैक्ट नंबर भी आपको दिख जाएगा ये टोटल एक्ट जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया आफ्टर रिमूविंग फेक एंट्रीज एंड करेक्शन तो हमारे पास इतनी है जिसमें रेंज देख सकते हैं कि सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले किस रेंज में कितने कितने लोग हैं जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे हमारे सर्वे में 190 से 195 सौ पचानवे में स्कोर करने वाले सिर्फ आठ स्टूडेंट्स हैं सौ पिचानवे से दो सौ बीच में दो स्टूडेंट का डेटा है वो भी नाइन पॉइंट समथिंग है अभी दिखाऊंगा एक सौ पचासी से एक सौ नब्बे के बीच में अठारह एक सौ अस्सी से एक सौ पचासी के बीच में तिरसठ एस्परेंट है से सर्वे के अंदर एक सौ पिछहत्तर से एक सौ अस्सी के बीच में एक सौ सड़सठ एक सौ सत्तर से एक सौ पचहत्तर के बीच में इतने हैं। तो इन सबको अगर हम ऐड भी कर लें तो आप ये चीज चेक कर सकते हैं यहाँ पे लगभग हमारे पास पांच सौ के आसपास कैंडिडेट्स पांच सौ प्लस कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एक सौ सत्तर से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और एक से ऊपर वाले देखें तो यहाँ पे हमारे पास आठ प्लस तो हमारे सर्वे में ही पार्टिसिपेट करा है और अगर मैं ओवरऑल देखूंगा अगर आपको एओ कैटेगरी की लिस्ट दिखाता हूँ जिसमें एक से ज्यादा स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स के बारे में है तो आप देखेंगे एक से ज्यादा स्कोर करने एक से ज्यादा स्कोर करने वाले सभी कैटेगरीज के, के अगर मैं मिला रिजर्व कैटेगरी कितने कैटेगरीज के यहाँ पे पच्चीस सौ सत्तर कैंडिडेट हैं तो ऊपर की जो लिस्ट है इसके ऊपर मतलब एक से ऊपर स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट हमारे सर्वे में दिख रहे हैं आप उसको लगभग तीन गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मतलब लोग रहे होंगे ठीक है एक रफ आइडिया बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना अभी ये वाली चीज दोबारा हम डिस्कस करेंगे चलू क्या मैं आगे तो इतना पार्ट क्लियर हो गया हमें कि कंपटीशन कैसे चल रहा है लोग एवरेज में कितना स्कोर कर रहे हैं जिस लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया वो ज्यादातर से की रेंज में और भी लोगों का डेटा आ रहा था लेकिन मुझे जरूरत लगी नहीं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करना है जितना मेरे पास डेटा है उससे सफिशियंटली सारी चीजें हो गई ठीक है बाकी ये ये हमें पता भी है कि, कि कितने मार्क्स के ऊपर कितने लोग स्कोर कर रहे हैं ठीक चलते हैं आगे अब टॉप टेन रैंकर्स की बात करते हैं इस बार जैसे हमने सी एच एस एल में भी देखा कि दो सौ से स्कोर करने वाले एक्ट ज्यादा नहीं थे यहाँ पे भी सी जी एल के अंदर भी जो हाईस्ट स्कोर गया है वो नाइनटी वन मार्क्स गया है और ये गया है निशा का इन्होंने सेंड किया था अपना स्कोर कार्ड चेक किया मैंने इतने मार्क्स बन रहे थे उनके ठीक है नाम उन्होंने हाइड कर रखा था तो नाइम नाम नहीं वेरीफाई कर पाया बट यही है कि इतने मार्क्स हाईएस्ट गए हैं सेकंड नंबर का ये पूरा स्कोर कार्ड था ये भी था तो ये सारी चीजें क्लियर है पूरी की पूरी ये हमारे टॉप टेन रैंकर्स रहे हैं ओवरऑल अभी कुछ लोग कह रहे थे नहीं करा वो ठीक है तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लग रहा था उसकी जरूरत है ठीक है अगर मैं देखता हूं यहां पे इनके एवरेज सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वांट सेक्शन में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग पचास पचास लेके आ रहे हैं कुछ लोगों का हार्ड शिफ्ट में जिनका पढ़ा है वो अड़तालीस साढ़े पैंतालीस ऐसे भी एक एस्पिरेंट देखो क्वान में इनके नंबर जब भी चौथे नंबर पे ये बने हुए हैं ठीक है, है और इनकी शिफ्ट हार्ड रही होगी क्योंकि एक है बाईस नंबर इंक्रीज हुआ है और हाइस्ट जो इंक्रीज है ठीक है ठेके? तो हार्ड शिफ्ट में था तो क्वांट में जरूरी नहीं आप पचास लेके आए हार्ड शिफ्ट में अड़तीस नंबर पे भी टॉपर जा रहे हैं हार्ड शिफ्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं आप रीजनिंग का स्कोर देख सकते हैं पे कुछ लोग पचास पचास वाले काफी हैं रीजनिंग में पांच एक्सपेरेंट पचास स्कोर कर रहे हैं टॉपर में बाकी तिरालीस बयालीस वाले हैं। अगर मैं जीके की बात करूं देखो जीके में आपको तीस वाले भी मिलेंगे तो जनरली पच्चीस मिनिमम है और पैंतालीस इसके बीच में लोगों के नंबर फ्लेक्चुएट कर रहे हैं टॉपर्स के उसके बाद इंग्लिश के आप देखेंगे इंग्लिश में कंसिस्टेंसी बनी हुई है साढ़े पैंतालीस से ऊपर की ज्यादातर लोग एक एक्सप्रेट को छोड़कर और वो भी साढ़े सैंतालीस साढ़े या फिर पचास तो आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तैयारी कर रहे हैं अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो ये एक एवरेज स्कोर आपको मेंटेन मिंट, करना है में अगर पहुंचने के लिए आप देखो यहां पे नीचे एवरेज भी दिखा रखा है मैंने इनका सेक्शन वाइज कितना एवरेज चल रहा है और ओवरऑल एवरेज कितना चल रहा है रोज स्कोर का ओवरऑल एवरेज है वन तो अगर आप कोई मॉक दे रहे हैं ठीक है किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर आप मॉक प्रेफर कर रहे हैं टीय वन की तैयारी के लिए अगले साल के लिए भी तो अगर आप दो में से एक ला पा रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर है कभी भी ये ना माने कि 160 पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एग्जाम में जाओगे 160 का अपने आप ही 170 तक आपका पहुंच सकता है ठीक है अगर लेवल ठीक है मौक का ठीक तो आप टोपर्स में भी आ सकते हैं अगर 170 आप मौक में स्कोर कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप अच्छी रैंक लेके जाएंगे एग्जाम के अंदर अगर लेवल ठीक रखा हुआ है मौक का तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी किसी कही सुनी बातों पर आगे

अगर हाइएस्ट मार्क्स इंक्रीज की बात करूँ सर्वे में कितना इंक्रीज हुआ है तो वो हुआ है हमारे पास यहाँ पे 24 मार्क्स 24.35 ये 17 अगस्त शिफ्ट टू की बात है और यही हमारी हार्डेस्ट शिफ्ट इस बार बन गई है ठीक है पता नहीं ये चौथे पांचवें नंबर पे थी और सीधा टॉप पे चली गई मैंने बताया कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं इस वजह से ठीक है अभी देखेंगे वो सारी चीजें और मैक्सिमम मार्क्स जो डिक्रीज हुए हैं ये 24 अगर शिफ्ट टू में है यहाँ पे आपको देखेंगे एक के नंबर डिग्री जो गए गए रो स्कोर था 72.5 इनके 65.5 रह ये हमारी ईजीए शिफ्ट में से है तो मार्क्स जो हमारे डिक्रीज होते हैं वो ईजीए शिफ्ट में ही होते हैं वो भी एक पर्टिकुलर थ्रेश से कम लाते हैं तो मार्क्स डिक्रीज होते हैं उससे ज्यादा लाओगे तो मार्क्स इंक्रीज कर जाएंगे ठीक है इस तरह का ग्राफ होता है आप लोगों ने पहले भी बहुत एनालिसिस देखे हैं तो आपको समझ वो चीजें आती हैं ठीक है तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इस चीज के और ये सर्वे में बाकी किसी एस्पिरेंट ने अगर ऐसा करा हो कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में से 50 नंबर स्कोर करे हो तो हो सकता है उसके साथ की जगह यहाँ पे 15-16 नंबर भी घट गए हो ठीक है ऐसा भी पॉसिबिलिटी रहेगी ठीक है हमारे सर्वे में इतना ही मिनिमम आया तो उसी से इतना ही पता चल पाया अगर मैं हाईस्ट मार्क्स की बात करूँ जैसे कि मैंने दिखाया भी था स्कोर कार्ड उनका ये रहा हाइस्ट स्कोर इतना गया है हमारा और अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड हाईस्ट स्कोर वन वन मार्क्स का है ठीक है अगर आप 180 की लाइन में हो स्कोर कर रहे हो और फिर भी सोच रहे हो कि क्या मुझे टॉप पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी तो ये सारी चीजें सोचना बंद करें और टीएर टू की तैयारी अच्छे से करें ठीक है बाकी लोग भी जिनका सिलेक्शन हो रहा है टीएर वन की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं वो लोग भी मेहनत करते रहे पता नहीं चलेगा कि कब आपके सिलेक्शन के चांसेस बन गए आगे चलता हूं मैं अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एग्जाम डे और शिफ्ट आपको दिख जाएगी यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया वो दिख जाएगा एवरेज स्कोर उनका मैथ्स में कितना है रीजनिंग में कितना है इंग्लिश में कितना है जीके में कितना है और रो टोटल रो स्कोर कितना है ये सभी शिफ्ट का आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है नॉर्मलाइड स्कोर टोटल कितना बना वो दिख रहा है और एवरेज में हर एक शिफ्ट में इंक्रीज कितने का हुआ ये दिख रहा है आप देखेंगे सारी चीजें ग्रीन में कर रखी है मतलब यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है अगर आप एक एवरेज स्कोर तक लेके आ रहे हो नंबर जो कि कट ऑफ से या कट ऑफ से थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि हमारे सर्वे में अभी जो होता क्या है टीयर वन मार्क्सान के बाद पार, पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं होती वो पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं करते ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी का इंक्रीज दिख रहा है तो ऊन एन एवरेज अगर मैं इंक्रीज निकालता हूं तो यहाँ पे फिफ्टीन मतलब एट नंबर का ऊन एन एवरेज इंक्रीज है ठीक है ये चीज भी क्लियर हो गई अभी मैं आपको रो कट ऑफ भी बताऊंगा ये तो एवरेज स्कोर जो सर्वे में अभी आया है वो उसके बेसिस पे ये चीजें हैं ठीक है अब सब्जेक्ट वाइज आपको इजी और हार्ड शिफ्ट देखनी है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं बाकी अभी फाइनल आंसर की जैसे ही आ जाएगी तो मैं आपको प्रिंटेबल फॉर्म में इसकी कम्पाइले तो प्रोवाइड कर ही दूंगा सीजीएल ट्वेंटी की साथ ही साथ क्वांट की जो हार्ड शिफ्ट है वो भी एक ऑर्डर में डिफिकल्ट से इजी लेवल के फॉर्म में भी प्रोवाइड करवा दूंगा जिससे कि आप डिफिकल्ट शिफ्ट को पहले सोल्व कर पाए और मौका मिला मुझे तो यूट्यूब चैनल पे मैंने वैसे सीजीएल के तो चैप्टर वाइज सोल्व करवाई ही दिए थे तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे शिफ्ट वाइज जाकर दोबारा सोल्व कराना चाहिए और चैप्टर वाइज की कंपाइलेशन भी टेलीग्राम चैनल पे दे दी थी तो सी एच एस एल के कुछ चार पांच अच्छे शिफ्ट एम टी एस की तीन चार अच्छी शिफ्ट वो भी हम देख लेंगे अगर हो पाया तो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा ठीक है जिससे कि जो डर है थोड़ा सा डिफिकल्ट शिफ्ट को नए क्वेश्चन को लेकर वो खत्म हो जाए ठीक और इस बार मेन्स एक ही दिन में होना है तो हो सकता है मेन्स का लेवल थोड़ा आपको अच्छा देखने को मिले टीयर वन का लेवल एस एस सी ने बढ़ाया है सीजीएल में क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड में मैंने सोल्व करें पता है लेवल चेंज हुआ है थोड़ा सा बढ़ाया थोड़े नए क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले तो टिगर टू में भी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल अप आप आपको आप आप मिले तो उस हिसाब से रेडी रहना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी से बात करूं कि आपको कितने मार्क्स की जरूरत है जिससे कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए तो यहां पे सभी शिफ्ट में देखें आप सभी शिफ्ट का अगर मैं देखता हूं जैसे तेरह अगस्त की शिफ्ट में अगर कोई बंदा एक सौ सोलह नंबर ला पा रहा है सबसे ज्यादा कट ऑफ कैटेगरी की होती है अनरिजर्व कैटेगरी में एक सौ सोलह नंबर पर एक सौ बत्तीस पॉइंट तीन सात नंबर बन रहे हैं मतलब कट ऑफ क्लियर हो रही है ठीक है इतने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं अगर आप इतना कट ऑफ के लिए नंबर एक 116 सो लाए इतने नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे ठीक है अगर मैं तेरह अगस्त की शिफ्ट टू की बात करता हूँ एक पे कट ऑफ क्लियर हो रही है ऐसी भी शिफ्ट है जहां पे हमारे पास जो कट ऑफ है वो क्लियर हो रही है 108 नंबर के ऊपर ठीक है तो ये कुछ आपको ये चीज समझनी पड़ेगी ऐसा नहीं होता कि, कि आप हर शिफ्ट का अलग अलग रो स्कोर होता है जब मैंने एनालिसिस किया था तब भी आपको ये चीज समझाई थी कि हर एक शिफ्ट का जो सेफ स्कोर होगा वो अलग होगा एक रैंडम स्टेटमेंट ऐसे दे देना कि अगर आपका एवरेज ओवरऑल किसी भी शिफ्ट में हो इसके आसपास नंबर बन रहे हो तो आप तैयारी करें मीन्स की ना करें वो बिल्कुल वेग स्टेटमेंट होती है अगर मैं क्लियरली देखू तो आप एवरेज में देखेंगे कि एक नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो रही है सभी शिफ्ट की मिला के ओन एन एवरेज अगर एवरेज में नंबर आपके रो आ रहे थे कैटेगरी में तो कट ऑफ क्लियर हो पा रही थी ठीक है तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी ठीक है चलेंगे आगे इतने हर एक शिफ्ट में कितने नंबर पे कट ऑफ क्लियर हो रही है यहाँ पे दिख रहा हूँ कितने कितने मार्क्स उन्हें एवरेज इंक्रीज हो रहा है यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं और ये पंद्रह नंबर का अप्रोक्सिमेटली हमें इंक्रीज दिख रहा है तो ये कट ऑफ है एस की जो दो का लेवल है उसके हिसाब से ठीक है कोई भी गर्ल्स फैमिली अपने दिमाग में ना पाले की एक सौ नंबर कट ऑफ है या बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है 2019 के अंदर एक सौ उनतालीस के लिए की नहीं होगा 85 परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए सब फालतू की बातें हैं ठीक है इन बातों पे बिल्कुल भी आप ना जाए ठीक है कि नाइनटी नंबर पर ही सिलेक्शन होगा उससे कम पे सिलेक्शन नहीं होगा तो हंड्रेड लाने पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए ये सब ऊपर ऊपर से दिखने वाली बातें आपको डिटेल में जाना पड़ेगा इन चीजों को समझने के लिए और ये एनालिसिस वहीं पे मदद करते हैं कि आपको क्लियर पिक्चर दिखे वरना बंदा एसप्रेंट आते तो ऐसे की तैयारी में लेट होता है वो चीज अलग है लेकिन कॉम्पिटिशन अपने आप को ज्यादा इतना कॉम्पिटिशन सोच के बंदे डर जाते हैं कि यार अब तो पूरे नंबर आने पड़ेंगे वरना सिलेक्शन ही नहीं होगा वो सारी चीजें गलत है ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखें सही चैनल्स को आपको फॉलो करनी चाहिए खासतौर पे स्ट्रेटजी बहुत जरूरी होती है सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है वरना सुनने में तो भैया आजकल शॉर्ट्स वीडियो चलती हैं कुछ भी बोलो कुछ भी बनाओ कुछ नया बता दो तो बच्चों को मजा आ जाता है शॉर्ट्स वीडियो के नाम पे अच्छा अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ आ... हाँ ठीक है अब देखो जैसे मैं एनालिसिस यहाँ पे मैंने बताया कि स्कोर इतना है अब यहाँ पे सत्रह अगस्त की शिफ्ट टू आप देखोगे यहाँ पे कि एक नंबर पर ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा है डिफिकल्ट टू टूजीएस शिफ्ट गई है एस के हिसाब से तो सबसे डिफिकल्ट सत्रह अगस्त की शिफ्ट टू फिर तेरह अगस्त की शिफ्ट थ्री सत्रह अगस्त की शिफ्ट वन और ये सारी चीजें हैं ठीक है तो यहाँ पे आपके जो मार्क्स नॉर्मलाइड स्कोर बना वो इतना बना इतने इतने मार्क्स इंक्रीज हुए ये सारी चीजें आप यहां पे चेक कर सकते हैं ठीक है सॉरी ठीक है हार्ड टू टूजी शिफ्ट ये हो गई और यहां पे आप देखेंगे जैसे अगर मैं रो स्कोर के बेसिस पे देखू जो अभी सर्वे में डेटा आया उसमें जो एवरेज स्कोर लोगों का इतना जा रहा था और उसमें अगर हार्डेस्ट शिफ्ट से शिफ्ट पे जाता हूं मैं रो स्कोर के बेसिस पे तो यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट बीस अगस्त की शिफ्ट टू तेईस अगस्त की शिफ्ट थ्री ये चार शिफ्ट्स एक साथ हैं उसके बाद सत्रह अगस्त की शिफ्ट वन आ रही है तो एक नंबर का गैप है ज्यादा कुछ गैप नहीं मानता तो इन पांचों शिफ्ट का लेवल लगभग मोर और लेस सेम है ज्यादा गैप नहीं है इनमें लेकिन जब यहां पे हम मार्क्स चेक करते हैं तो यहां पे गैप ज्यादा बढ़ रहा है यहाँ पे तीन चार नंबर का गैप आ रहा है जबकि यहां पे एक नंबर का ही गैप है तो ये वाली शिफ्ट में थोड़ा अलग हुआ है ये वाली शिफ्ट यहां से उठ के यहां पे आ गई बाकी शिफ्ट मोर और लेस सेम है एक दो नंबर आगे पीछे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो तो चेंजेस आती है क्योंकि जब एनालिसिस किया है छोटे डेटा पे किया जाता है ओवरऑल बहुत ज्यादा डेटा होता है लेकिन यहाँ पे ये सत्रह अगस्त की शिफ्ट वन एक ऐसी शिफ्ट रही है जिसने थोड़ा एब्रप्टली बिहेव किया है बाकी सारी शिफ्ट ने एज एक्सपेक्टेड जितना एक्सपेक्ट किया गया था वैसे ही लगभग लग चीजें चली हैं ओवरऑल की लेवल कौन सा मुश्किल था कौन सा हार्ड था अब उन्नीस इक्कीस ऐसे चलता रहेगा जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये 24 अगस्त की शिफ्ट टू सेकंड लास्ट नंबर पे क्योंकि लगभग यहाँ पर एवरेज स्कोर एक सौ चालीस दशमलव तीन दो और यहाँ पे एक सौ चालीस दशमलव छह ठीक है एवरेज स्कोर लगभग इतना सा है अब यहाँ पे ये क्या हुआ बीस अगस्त की शिफ्ट वन थोड़ी सी ऊपर चली गई चौबीस अगस्त की शिफ्ट टू ये यहाँ पे चली गई अब क्योंकि गैप बहुत मिनिमम सा है और यहाँ पे भी आप देखेंगे गैप पॉइंट मार्क्स का गैप है ठीक है वही गैप एवरेज स्कोर पे भी आ रहा था जब हमने एनालिसिस किया था तब भी वही गैप आ रहा था तो ये चीजें जो ट्रेंड है वो चेंज नहीं होते वो लगभग वैसे ही रहते हैं चले आगे तो एक रफ आईडी के लिए ही सारे analysis को लिया कैटेगरी से अगर मैं गैप देखता हूँ जो मैंने स्कोर बताया था जैसे फर्स्ट शिफ्ट है तेरह अगस्त की शिफ्ट सेवन मार्क्स ज्यादा बताए थे जो मेरा सेफ स्कोर था ठीक है फिर तेरह अगस्त की शिफ्ट में छह नंबर ज्यादा इसमें साढ़े पांच नंबर इसमें साढ़े पांच नंबर इसमें दो नंबर कम इसमें पांच इसमें साढ़े चार इसमें दस सत्रह अगस्त के शिफ्ट हुआ मैंने बताया ना हार्डेस्ट बन गए इसे छोड़ दें इसमें टू पॉइंट सेवन थ्री सिक्स सिक्स फिर फोर है फिर थ्री पॉइंट फाइव लगभग थ्री पॉइंट सिक्स हो गया फाइव माइनस वन वन का गैप वन टू पॉइंट नाइन टू थ्री देखो ये अगर गैप हम टिगर वन के बाद आंसर की के बेसिस पे अगर इतना सब कुछ बता सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एनालिसिस है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा नहीं पता कट ऑफ एस एस कितने बच्चों को सिलेक्ट करेगी टीयर वन के बाद उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं ठीक है कितने लोग अपीयर हुए उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो अगर ये सारी चीजें देखते रहें तो मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक एनालिसिस रहा है अगर इतना भी आइडिया चार पांच की रेंज में भी अगर आ जाते हैं तो ये बहुत सही चीज़ है ठीक है क्योंकि एक कट ऑफ तो आती नहीं हर शिफ्ट की कट ऑफ अलग अलग है और हर शिफ्ट वाइज लगभग सेम सी चीजें चली हैं ठीक है और खास तौर पर जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी अपर लिमिट रखूं मतलब जो कट ऑफ बता रहा हूं थोड़ा सा ज्यादा ही बतले के चलूं क्योंकि होता क्या है कि कट ऑफ अगर तुम कम बताते हो हल्की सी तो उससे एक प्रॉब्लम और होती है कि जिन लोगों को लगता है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं और फाइनल जब रिजल्ट आता है सिलेक्शन नहीं होता तो दिल टूट जाता है लेकिन जब उम्मीद कम होती है और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा लगता है अंदर से एक गुड फीलिंग आती है तो थोड़ा सा अपर साइड रहना मुझे पसंद है बट ओवरऑल फिर भी ठीक है तीन चार नंबर का गैप है सी एच एस एल में भी यही चीज हुई थी सीजीएल में भी यही हुआ और सीजीएल में थोड़े कैंडिडेट्स भी ज्यादा बुला लिए इस वजह से कट ऑफ थोड़ी और कम हो गई बट ओवरऑल ठीक है चले आगे एक आईडी के लिए एनालिसिस किया था वो हमारा काम हो रहा है अच्छा अगर मैं बात करूं मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद मैक्सिमम शिफ्ट्स में इंक्रीज होते हैं सिर्फ एक शिफ्ट ऐसी होती है जिसमें मार्क्स डिक्रीज करते हैं एक या दो अगर बहुत ज्यादा शिफ्ट में तो एक या दो शिफ्ट तो मिलेंगी वरना एक शिफ्ट ही होती है जो इजीएस्ट शिफ्ट होती है ठीक है तो हार्ड शिफ्ट उनमें मार्क्स इंक्रीज करेंगे मिडल शिफ्ट होंगी उनमें भी मार्क्स इंक्रीज करते हैं सिर्फ इजीएस्ट शिफ्ट में मार्क्स डिक्रीज करते हैं अच्छा अब सारा मैं आपको शिफ्ट वाइज की शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स पे कितने कितने मार्क्स बढ़े घटे वो सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस देने वाला हूँ उससे पहले छोटी सी चीज़ और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो ठीक है लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपकी प्रिंटेबल कंपाइलेशन सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल और ओल्ड फॉर्मेट में भी ये सारी प्रोवाइड कर दी गई है टेलीग्राम चैनल के ऊपर ठीक है और सीजीएल की भी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में पहले प्रिंटेबल फॉर्मेट में नहीं थी लेकिन अब प्रिंटेबल क्वांट की तो प्रोवाइड सब्जेक्ट वाइज कर चैप्टरवाइज करती थी बट ओवरऑल भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में मोक फॉर्म में मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा रिवाइज आंसर किया आता है एन टीपीसी की एक सौ बत्तीस फॉर्मेट में प्रोवाइडेड है जैसे ही रिवाइज आंसर की आ जाएगी उसकी सेक्शन वाइज पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा क्वांट के क्वेश्चन अलग रीजनिंग के क्वेश्चन अलग जीके के क्वेश्चन अलग ठीक है और ओवरऑल भी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड करूंगा ये मेरी गारंटी है ठीक है पिछली बार नहीं हो पाया कोशिश थी लेकिन एट द एंड क्योंकि बहुत ज्यादा शिफ्ट थी इतना ज्यादा मैन पावर नहीं है कुछ नहीं है अकेला कहां तक बैठता तो नहीं हो पाया लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा रिवाइज आंसर के आते हैं एनटीपीसी की आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएंगी ठीक उस है उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो मैं अरेंज करूंगा कैसे भी करके आपको दे दूंगा ठीक है टेलीग्राम चैनल अगर डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो एट द रेट आरबीस्कोर एस करके सर्च कर लें और पी के लिए मैंने एक नया चैनल भी बनाया तो इस चैनल पर सिर्फ पी रखेंगे जिससे कि पी सर्च करने में आपको दिक्कत ना है वैसे तो फाइल सेक्शन पे जाएंगे आप इंपेपे तो वहां पर पीडीएफ दिख जाती हैं बट इस चैनल मैंने एक छोटा सा और बना दिया मैंने कहा इस पर सारी की सारी पी अलग के अलग मैं आपको दे दिया करूंगा ठीक है तो ये चैनल भी अगर ज्वाइन कर पाए तो आप टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक मिल जाएगा वरना एट द रेट शुभ आरबी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे आर तो ये चैनल मिल जाएगा सारी जो सारी जो लेटेस्ट होंगी वो पे मिलती रहेंगी आपको एस एस सी की डी ट्रीप्लस बी डी ट्रीप्लस बी पे थोड़ा ध्यान इसलिए भी है मेरा क्योंकि टीसीएस ही डी ट्रीप्लस बी का एग्जाम भी कंडक्ट कराता है ठीक है और दिल्ली से काफी सारे लोग हैं जो डी ट्रप्ल बी का एग्जाम देते हैं तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ एस एस सी की तो सारी प्रोवाइड कराऊंगा कराऊंगा ठीक आगे चलते हैं अब एनालिसिस देख लो जैसे तीन अगस्त की शिफ्ट वन है तो यहाँ पे आपको रो स्कोर दिख जाएगा और उसके बेस्ट नॉर्मलाइड स्कोर कितना बन रहा है ये आपको दिख जाएगा जैसे किसी के एक है तो उसके कितने बन रहे हैं इतने इंक्रीज कर रहे हैं कोई 50 नंबर स्कोर कर रहा है तो उसके चौसठ बन रहे हैं उसके 40 इंक्रीज कर रहे हैं तो सभी के इंक्रीज कर रहे हैं जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे तीन तरीके से चलता अभी है अभी ये तेरह अगस्त की शिफ्ट टू है इसमें थोड़ा सा हिसाब चेंज हो गया यहाँ पे आप जितना कम स्कोर करोगे उतने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे जितना ज्यादा स्कोर करोगे कम लेकिन ज्यादा गैप नहीं है जैसे अठारह अगर निकयान कर रहे हो तो अठारह बढ़ रहे हैं और यहाँ पे अगर आप 155 कर रहे हो तो आपके 17.2 नंबर ही बढ़ रहे हैं ये सीजियल में इसमें भी हमने देखा था तो तीन ग्राफ होते हैं हमारे पास एक होता है कि अगर आप मार्क्स ज्यादा स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे एक होता है आप मार्क्स ज्यादा स्कोर करोगे तो जो इंक्रीज होगा वो इतना नहीं होगा ठीक है वो कुछ ऐसा इंक्रीज होगा ठीक है और एक ग्राफ होता है कि अगर आप मार्क्स कम घटो करोगे एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पॉइंट से तो मार्क्स डिक्रीज होंगे इससे ज्यादा स्कोर करोगे तो मार्क्स इंक्रीज होंगे तो तीनों ग्राफ यहां पे आपको दिख जाएंगे ये तेहरा का है मैं जल्दी जल्दी अब स्विच कर रहा हूं मैं एक एक चीज बता नहीं रहा हूं तेरह अगस्त शिफ्ट थ्री में ऐसे हैं आप चेक कर लें। अगर कुछ एन है तो आप जरूर बता सकते हैं एक आधी एंट्री गलत भी हो सकती है ठीक है सारी एंट्री फेक रिमूव होना मुश्किल होता है थोड़ा आप पे पे देखेंगे यहाँ पे ये सोलह सोलह अगस्त शिफ्ट टू ये हमारे पास सोलह अगस्त शिफ्ट थ्री सत्रह शिफ्ट वन सत्रह अगस्त शिफ्ट टू एंड सत्रह अगस्त शिफ्ट थ्री उसके बाद अट्ठारह शिफ्ट अगस्त शिफ्ट टू अट्ठारह अगस्त शिफ्ट थ्री ठीक है अट्ठारह अगस्त शिफ्ट थ्री वो शिफ्ट है आप देखेंगे यहाँ पे कम स्कोर करने पे नाइनटीन पॉइंट फाइव एट पढ़ रहे हैं लेकिन जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे तो मार्क्स कम इंक्रीज हो रहे हैं ठीक है ये पैटर्न भी होता है और बिल्कुल ये ना समझे कि परसेंटेज इंक्रीज होता है कि आप इतना स्कोर कर रहे हैं तो उतने पर, एक पर्टिकुलर परसेंटेज से आपके मार्क्स हर बार इंक्रीज कर देंगे कोई परसेंटेज वाला स्नैरियो नहीं है ठीक है तो ये तीन तरह से ग्राफ चलते हैं कोई भी ग्राफ किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे काम कर सकता है ठीक है वो चीज जब दो हजार का एनालिसिस किया था मैंने जब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला डिटेल में एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि स्टेप डेविएशन और सब चीजें यूज करके कब होता है कि कब हमारे ज्यादा मार्क्स करने पर डिक्रीज होंगे कब क्या होगा वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी अब उस पर आप लोग डिटेल में जाओगे उससे कुछ फायदा नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम देने के बाद पता नहीं चलेगा कि कैसे होगा तो ये बस रफ आइडिया के लिए आप समझते चले कि सारी चीजें होती हैं तो कोई भी एक फिक्स चीज नहीं है यहाँ पे तीन तरह के ग्राफ्स बनते हैं हमारे अब ये बीस अगस्त की शिफ्ट वन है बीस अगस्त की शिफ्ट टू बीस अगस्त की शिफ्ट सर जनरली ग्राफ्स वही होते हैं ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पर आपके ज्यादा इंक्रीज होते हैं मैक्सिमम शिफ्ट में यही होता है फिर हमारे पास तेईस अगस्त की शिफ्ट वन है तेईस अगस्त की शिफ्ट टू है तेईस अगस्त की शिफ्ट थ्री है चौबीस अगस्त की शिफ्ट वन चौबीस अगस्त की शिफ्ट टू है चौबीस अगस्त की शिफ्ट टू अगेन एक ऐसी शिफ्ट है यहां पे जिसमें मार्क्स डिक्रीज हुए क्योंकि वन ऑफ दी शिफ्ट है आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्ट नंबर पे लेके जाता हूं जैसे अगर आप 120 के आसपास स्कोर कर रहे हैं ना यहाँ पे 120 से भी बल्कि ठीक है यहाँ पे 118 नंबर के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं उससे नीचे स्कोर करेंगे तो मार्क्स डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे तो ये वो वाली शिफ्ट है इजीएस शिफ्ट में यही होता है कि एक थ्रेश से ज्यादा करेंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे वरना डिक्रीज होंगे जो मिडिल शिफ्ट होती है उसमें भी ऐसा ही होता है लेकिन वो जो थ्रेश होल्ड पॉइंट होता है बहुत नीचे किसी में तीस नंबर होगा किसी में आपका बारह होगा किसी में जीरो नंबर होगा किसी में माइनस फोर नंबर होगा ऐसा इजी शिफ्ट में भी होता है म, मतलब मिडिल शिफ्ट में इजी शिफ्ट में वो पॉइंट हमारा ऊपर होता है और हार्ड शिफ्ट में थोड़ा और ऊपर चला जाता है hmm. मतलब इजी शिफ्ट में यहाँ पे मार्क्स ज्यादा चाहिए होते हैं और हार्डे शिफ्ट में तो बढ़ते ही है जितना कम स्कोर करो कि आपके पूरे पूरे नंबर बढ़ते हैं जैसे चौबीस अगस्त की शिफ्ट थ्री है यहाँ पे आप देखेंगे लगभग अप्रोक्सिमेटली तेरह का ही इंक्रीज चाहे आप कितना भी स्कोर करें मार्क्स उतने ही इंक्रीज होने ठीक है तो एवरेज से काफी अच्छे आइडिया लग जाते हैं अब आ जाते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज पे अगर आप एसएससी की वैकेंसीज देखेंगे तो इस बार 2020 की टेंटेटिव वैकेंसी 7035 है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी इतनी है लेकिन आपको पता है अनिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी पे सिर्फ परिजर्व कैटेगरी नहीं बाकी अदर कैटेगरीज के लोग भी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर वो अनिजर्व कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेके आए और कट ऑफ को क्लियर कर जाए अनिजर्व कैटेगरी की ठीक है तो अगर आपको यहां पर सात हजार पैंतीस तो बिल्कुल भी इस भुलाके में ना रहे कि आप अनिजर्व कैटेगरी से हैं और सात हजार रैंक तक ले आएंगे ऑल इंडिया रैंक तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं आपको कोशिश करनी है ये चार हजार बस एक ऐसी नंबर मेरे दिमाग में आया बाकी मैंने डिटेल में चेक नहीं किया बट ये मान के चले कि अगर ऑल इंडिया रैंक आपके चार हजार से कम है तभी आप अनिजर्व कैटेगरी से सिलेक्शन के बारे में सोचें वरना ना सोचें अनरिजर्व कैटेगरी से इससे कम रैंक पे सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है तो आपको पता है कि कैटेगरी में कितने लोग से आपको कंपीट करना है अभी थोड़ा सा और देख लेंगे उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये यह ओबीसी कैटेगरी की वैकेंसीज है ये ईडब्लू कैटेगरी की है ये एस की है ये की है सॉरी एक बार देख लेते हैं ओबीसी ईडब्लू एस एस ठीक है ये हमारे पास एस कैटेगरी की वैकेंसीज है ये कैटेगरी की है ईडब्ल्यू एस ठीक है अब देखो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ईडब्ल्यू की इतनी वैकेंसी दिख रही है सिलेक्शन कितना मान लो 900 लोगों का कैटेगरी से ओबीसी की इतनी दिख रही है अठारह सौ अट्ठावन वैकेंसी लगभग ये मान के चले आप यहाँ पे तेईस सौ लोगों के आसपास लोगों का सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी से हो जाएगा अनरिजर्व की इतनी दिख रही है तो मे बी बाईस सौ अब एक्जेक्ट नंबर कुछ वो नहीं यूज करा पिछले साल वाला डेटा मैं कह रहा हूँ फाइडे से बता रहा हूँ कि इतने लोगों का होगा तो अनरिजर्व कैटेगरी से तो आप इतनी बाईस सौ तेईस सौ के अंदर रैंक लानी पड़ेगी ऑल इंडिया रैंक सिलेक्शन के लिए या फिर ऐसा कुछ ठीक है अब इसमें एओ की कट ऑफ अलग निकलेगी तो वो वैकेंसी अलग हटानी पड़ेंगी उसके क्योंकि उसकी फिर रैंक भी अलग ही निकलती है एओ की जेएसओ की ठीक तो है तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर अभी इतना ज्यादा डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये चीज समझ के चलें कि आपको रैंक अच्छी लानी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए अब जो मैंने ये देखो आप टीयर वन की कट ऑफ दोबारा में यहाँ पे आ गया बावन हजार तीन सौ तीन कैंडिडेट हैं जो एक सौ बत्तीस से नंबर स्कोर ज्यादा कर रहे हैं ठीक है अब मान लो मैं एस कैटेगरी को पकड़ता हूँ यहाँ पे एससी कैटेगरी के हमारे पास एक हजार छियालीस वैकेंसी है ठीक है एक हजार छियालीस वैकेंसीज में एससी कैटेगरी आप देखेंगे तीन हजार एक हजार अस्सी तो वैकेंसीज हैं लेकिन बत्तीस सौ पिछहत्तर कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक सौ बत्तीस से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं अब यहां पर एससी कैटेगरी की कट ऑफ चाहे मेरे पास सो ही है लेकिन एक सौ बत्तीस से ज्यादा वाले इतने कैंडिडेट हैं और इनमें से एक हजार अस्सी थोड़े से और एक्स्ट्रा मान लो मान लो मैक्सिमम ग्यारह सौ पचास या बारह सो लोगों का सिलेक्शन होगा एससी कैटेगरी से अब आपको इसमें लाना है

हो सकता है आपको यहाँ पे पंद्रह नंबर की रिक्वायरमेंट और हो जाए या दस नंबर की रिक्वायरमेंट तो बयालीस नंबर की और रिक्वायरमेंट अगर सिलेक्शन लेना है तो जो लोग आगे चल में है, जो भी, उनसे आपको के आने पड़ेंगे तब आपके की आगे, ये मैटर नहीं करता आप टीएल में मेरे से पूछते हैं कि सर एक नंबर ले नंबर सिलेक्शन हो जाएगा क्या एक नंबर ले आऊंगा सिलेक्शन हो जाएगा क्या चार में से तीन नंबर ले आऊ तो सिलेक्शन हो जाएगा ये सब बातें हैं मैं एक रफ आईडी से बता सकता हूं बट ये चीजें नहीं है कॉम्पिटिशन के ऊपर है अब टीयर टू का पेपर का लेवल अगर मुश्किल आ गया तो भैया सबको पूरा पूरा जो बहुत अच्छी मेहनत कर जाएगा इस टाइम में चाहे आप बाउंड्री के पास हो आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे अगर आप टीयर टू का पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया और आप एक सौ नंबर ले आए मैथ्स के अंदर और इंग्लिश का भी डिफिकल्ट आ गया अच्छा लेवल बना दिया इंग्लिश का भी और उसमें भी आप एक नंबर ले आए तो सिलेक्शन हो जाएगा बाउंड्री पर कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन तब भी होने से बाकी टीयर थ्री में किस्मत ना खराब निकले तो बात अलग है

ठीक है ये ऑलरेडी आपसे बेटर होंगे मैं कह रहा हूं बिल्कुल लेकिन ये है कि हो सकता है ये भी मौक देते हो इनके 140 नंबर आते हो नंबर में 130 नंबर आते हो क्वांट के मुख में इतना क्वांट इनका अच्छा प्रिपेयर ना हो बाकी तीन सेक्शन जी के अच्छी प्रिपेयर हो यूपीएससी के एस्परेंट रहे हो या फिर रीजनिंग अच्छी प्रिपेयर हो उसकी वजह से थोड़ा आगे निकल गए तो आपके पास चांसेस रहेंगे उनसे आगे निकलने के बट आपको क्या करनी है मेहनत करनी है और ये दुआ करते रहना है कि पेपर बहुत ईजी ना आ जाए अगर सरल पेपर आ गया जैसे 18 नवंबर की शिफ्ट का आया था और सभी लोग दोस्तों दो लेके चले गए तो जो टॉप पे बच्चे हैं वही सिलेक्शन तक पहुंचेंगे बाकी लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो मैं जब ये कह रहा हूं यहाँ पे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं तो ये कोई हंड्रेड परसेंट गारंटीड नहीं है ठीक है मैं ये कह रहा हूँ सिलेक्शन के चांसेस नहीं है तो वो भी गारंटीड नहीं है वो पेपर के लेवल पे ही डिसाइड करेगा कि उस शिफ्ट के अंदर कितने नंबर अच्छे हैं कितने नंबर बुरे हैं उस एग्जाम के अंदर अच्छी बात यह है कि एक शिफ्ट में पेपर होगा तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी 2019 की तरह अब 2019 के पेपर में देखो फिर से दिक्कतें आने लग गई इतनी सारी अब होगा क्या देखो हम सबको पता है 2019 में क्या हुआ है ठीक है कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन ऐसे रहे हैं जो बिल्कुल भी कुछ नहीं है रिजल्ट के क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब लेवल चेंज हो गया तो नॉर्मलाइजेशन इतने अच्छे से जस्टिस नहीं कर सकता बट एट द द एंड ऑफ डे दब कर क्या सकते हैं उसमें सीजीएल दो है टीयर टू पेपर एक दिन में करवा दिया गलतियां सुधारी जा रही है आगे जाके भी उम्मीद है कि मुझे 2021-2022 में भी एक ही दिन में चलता रहे तो दिक्कत ही आगे नहीं आएगी जो जी जेल का फेट है वो आगे लोगों को झेलना नहीं पड़ेगा बट वही है कि अगर हल्की सी भी कुछ कमीशन गड़बड़ कर देता है उसकी वजह से झेलना बच्चों को पड़ता है वो सेक्शन में डिवाइड होते हैं कि इस तरफ है या उस तरफ है बहुत दिक्कतें हो जाती हैं तो आप अपना अपना हंड्रेड एफर्ट देते चले बाकी हर चीज हमारे हाथ में नहीं है किसी के हाथ में नहीं है किस्मत का बहुत बड़ा रोल रहता है ठीक है तो अपनी तैयारी अपने अच्छे से करें और थोड़ा सा और डेटा देख लें जैसे कि अभी ये तो लिस्ट वन है अब लिस्ट टू से भी आइडिया लगता है अब लिस्ट टू से कैसा आइडिया लगेगा लिस्ट थ्री से अब देखो जीएसओ के लिए सभी लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे जीएसओ की कट ऑफ को क्लियर करने वाले अगर ग्यारह हजार दो सौ बारह दिख रहे हैं और अनरिजर्व कैटेगरी से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास छह हजार कैंडिडेट्स हैं तो इतना तो फिक्स है ही कि एक सौ तिरपन से ज्यादा नंबर लेके आने वाले छह हजार छिहत्तर कैंडिडेट तो है ही लेकिन इससे कहीं ज्यादा होंगे हो सकता है ठीक है एक सौ तिरपन से ज्यादा करने वाले जैसे एस सी कैटेगरी है अब अगेन वही चीज आ गई हमारे पास एस सी कैटेगरी की कट ऑफ तो इतनी है लेकिन अनरिजर्व से अनरिजर्व कैटेगरी से जो कट ऑफ को क्लियर करने वाले बयासी यहां पे दिख रहे हैं हमें ठीक है एस टी कैटेगरी तो वही फ्रैक्शन अगर मैं डबल यहाँ पे ले रहा हूँ अगर आप यहाँ पे भी डबल ले लें मान लो यहाँ पे एक दिख रहा है मान लो 350 के आसपास लोग ऐसे रहे होंगे जो इससे ज्यादा नंबर लेके आ रहे होंगे तो आप कंपटीशन देखो आपका श्रिंक हो गया आप एससी कैटेगरी की जो हमारी कट ऑफ गई थी अनरिजर्व से सो और यहाँ पे मान लो 300 या 350 लोग हैं जो एक से ऊपर है तो आपको पचास नंबर की लीड लेनी है पचास नंबर की लीड पर आपका सिलेक्शन फाइनल है अगर इन लोगों से लीड ले पाते पचास नंबर की नी ली थोड़ी कम की ली चालीस ली तब्बीस सिलेक्शन तक पहुँच सकते हैं और चालीस नंबर देखो अभी ज़्यादा लग रहे हैं अभी सात सौ नंबर का पेपर बाकी है और किस्मत बहुत अलग अलग खेल खिलाती खेल है ठीक है अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे मान लो कोई एस अच्छा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ठीक है यहाँ पे भी अच्छे नंबर है टी ए टू का पेपर थोड़ा लेवल का सही आ गया तो उसमें एवरेज में आप देखेंगे लोग एक सौ चालीस के आसपास स्कोर कर रहे होंगे ठीक है अच्छे लेवल के पेपर में एक तक भी था दो का अगर मैं डेटा देखता तो जब हमने एनालिसिस किया था पंद्रह नवंबर में एवरेज स्कोर हमारा एक सौ सोलह या एक सौ सत्रह कुछ जा रहा था ऐसे ही सोलह नवंबर में एक सौ अट्ठारह कुछ जा रहा था और अट्ठारह नवंबर के अंदर वो एक सौ सत्तर या एक सौ अस्सी के बीच में कुछ जा रहा था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी ठीक है तो इतना अगर एवरेज स्कोर जा रहा है और जो अच्छे स्प्रेंड जिन्होंने ढंग से तैयारी करी वो एक पे नहीं होंगे एक सौ या पैतालीस या एक पे भी होंगे चलो मैं मान लेता हूँ कि जो एस्प्रेंट अभी बहुत आगे हैं आपसे वो एक पे है अगर एवरेज में वो इतना लेके आ रहे हैं अगर आप यहाँ पे एक सौ अस्सी ले आए तीस नंबर की लीड आप यहाँ ले जाए इंग्लिश में जो दूसरा बंदा है अगर पेपर इजी चल रहा है वो अस्सी लेके आ रहा है और यहाँ पे एक सौ पिचानवे तो दस नंबर की लीड आ गई नंबर की लीड हो गई आप सिलेक्शन तक पहुंच रहे हैं उसके बाद एक चीज और हो जाती है हमारे पास अगर मान लो टीयर थ्री में भी किस्मत ने साथ दिया आप सत्तर नंबर तक पहुंच गए और बाकी बंदे एवरेज में बासठ चौसठ रहता है ठीक है टीयर थ्री के अंदर तो यहाँ पे आठ नंबर की लीड है तो पचास नंबर की लीड हो गई पूरी आप अच्छी रैंक तक पहुंच रहे हैं ठीक है तो बाउंड्री पे हो सिलेक्शन के चांसेस रह सकते हैं तो पे मुश्किल हो सकती है आप चौबीस सौ ग्रेड पे भी पहुंच ही सकते हो छियालीस ग्रेड पे भी पहुंच सकते हो अगर आपने थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर ली क्या ये चीज समझ आ गई तो मोराल अपना बिल्कुल भी डाउन ना करें अपनी तैयारी अच्छे से करते रहे जो होगा देखा जाएगा हर चीज अपने हाथ में तो नहीं है जब तैयारी करनी थी तो ये थोड़ी ना पता था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा या नहीं होगा ठीक है तो आप कर रहे हैं तो करें तैयारी अब जैसे वन आ, की कट ऑफ देख लें आप यहाँ पे ए की कट ऑफ में अगर देखते हैं एससी कैटेगरी के बयालीस कैंडिडेट्स हैं जो वन से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं ठीक है तो वही है नंबर का गैप चेक करते रहे हैं अनिजर्व कैटेगरी से टोटल 2570 कैंडिडेट हैं सिर्फ जो एक से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं ठीक है तो अगर आप मान लो 160 पे भी है टोटल अगर एक सौ साठ नंबर आप स्कोर कर रहे हैं और यहाँ पे है तो आपकी रैंक क्या होगी अप्रॉक्सिमेटली आप मान के चलें कि पैंतीस के आसपास रैंक होगी आपकी ऑल इंडिया रैंक या पैंतीस होगी या फिर इससे थोड़ी सी और बढ़ा लें तो मैं कह सकता हूँ चलो ये चार मान लो ठीक है चार हजार क्योंकि यहाँ पे बहुत कम मार्क्स के अंदर में गैप ज्यादा स्टूडेंट्स आते रहेंगे जिससे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो पूरे आप कंपटीशन के अंदर हैं थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी है बस ये पंद्रह नंबर का गैप कब खत्म हो जाएगा कब आप आगे निकल जाएंगे एग्जाम डे ही डिसाइड होगा ठीक है बाकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल पे आप उस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से डाउनलोड कर लें अच्छा जीएसओ के लिए मैं कुछ काफी लोगों को दिक्कत आती है कि सर जीएसओ की प्रिपरेशन कैसे करें अब जीएसओ की एक पोस्ट की खास बात यह है कि एक तो वैसे मैं बहुत अच्छी पोस्ट में इसे काउंट नहीं करता लेकिन इसके कुछ बेनिफिट भी हैं एक बेनिफिट ये होता है जीएसओ की पोस्ट में कि एक तो ट्रांसफर इसमें खुले रहते हैं कि तीन साल का आपने काम करा जहां भी पोस्टिंग मिली आप ट्रांसफर लेके अपने होम स्टेट में पहुंच सकते हैं पहली चीज तो ये है दूसरी चीज ये है के अंदर हम्म कि इसकी जो एज लिमिट है वो है पत्तीस साल की अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे आप अट्ठाईस साल के हो गए तो आप जो चौबीस ग्रेड पे की पोस्ट है उसके लिए तो एलिजिबल नहीं रहे ठीक है तो बाई चांस टीयर टू में मैथ्स आपका थोड़ा सा बिगड़ गया इंग्लिश बिगड़ गया उस पर्टिकुलर केस में आप फंस जाते हो ठीक है क्योंकि आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल रहे नहीं और एक्साइज इंस्पेक्टर या बाकी इंस्पेक्टर छियालीस ग्रेड पी की पोस्ट नहीं मिल रही तो उस केस में जीएसओ रेस्क्यू पे आ जाता है क्योंकि टीयर वन में तो आपने कट ऑफ कर ली जीएसओ की क्लियर अब जब टीयर टू की बारी आएगी तो टीएर टू में अगर आपके मैथ्स और इंग्लिश में कम भी रह गए तो फिर भी अगर जीएसओ में एक एवरेज स्कोर सो प्लस आप ले जाए तो आप डेफिनेटली जीएसओ की पोस्ट पर सिलेक्शन ले सकते हैं जो कि बयालीसौ ग्रेड पे की पोस्ट है तो एज अ लास्ट रिजोर्ट ये पोस्ट आपको बचा सकती है अगर आप ये कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो टाइम मिले तो थोड़ी थोड़ी तैयारी कर ले नहीं मिल रहा आपको एज भी बची हुई आपको पता है कि आप टैक्स असिस्टेंट ले सकते हैं तो मैं फोर्स नहीं करूंगा अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि टीए मिल जाएगा चलो मैं एक अगले एग्जाम के नेक्स्ट एक और एग्जाम का मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तैयारी कर पाऊँ और मेरी एज भी है तो टीए या कोई और पोस्ट ऑडिटर मुझे मिल सकता है तो आप उसके लिए कंपीट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपकी एज सत्ताईस से ज्यादा है और आप जेएसओ की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जेएसओ को या एओ एओ की कट ऑफ हो सकता है ना क्लियर कर रहे हो जेएसओ की ज्यादा लोग कर रहे होंगे तो जे को एज अ ट्राई दे सकते हैं अगर आव, एवरेज नंबर आपके मैथ्स और इंग्लिश में रहे और जे में भी आप हंड्रेड प्लस ले आए तो सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा लोग इसकी प्रिपेयर नहीं करते अब मैंने बोल दिया तो लोग कर लेंगे फिर कट ऑफ बढ़ जाएगी वो फिर सिनेरियो सारा का सारा ऐसे चलता है ना कि फिर कट ऑफ भी बढ़ जाती है ज़्यादा बताने से बट ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का और बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे एक चैनल है अभी यूट्यूब पे तो नाम नहीं ले रहा मैं ठीक है मैं नहीं जानता किसका चैनल है अभी जे एस में जिसके आज बहुत अच्छे मार्क्स थे दो हज़ार अट्ठारह के अंदर और 2019 के अंदर उनकी रैंक भी काफ़ी मतलब अच्छी है जे के अंदर और उनसे बात ही चल रही थी मैंने कहा स्ट्रेटेजी वगैरह किया तो उन्होंने एक चैनल बताया कि उसमें फ्री में सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है कोई पैसे वैसे पे नहीं कर रहे बस वो फ्री वीडियोस देखें आप 140 सौ तक ले जाएंगे नंबर और आपका काम हो जाएगा ठीक है तो आई डोंट नो लेकिन मुझे ठीक लगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दूंगा आप लोग जो जे की तैयारी कर रहे हैं ठीक है वो एक बार जाके देख लें उन वीडियोज़ को अगर समझ आता है तो यूज कर सकते हैं नहीं समझ आ रहा तो छोड़ गए बाकी आप जो सोर्सेस आपको समझ आए आप उससे तैयारी कर ही सकते हैं वो तो है ना तो मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी अगर मैं बात करता हूँ एओ का आपको पता ही है इसकी स्ट्रेटेजी अगर कुछ मुझे पता चलता है बढ़िया सा कोई फ्री कंटेंट या कुछ तो मैं आपको बताता हूँ एओ के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं ठीक है बाकी इस वीडियो में यही है आपसे यही बता लेता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें धीरे धीरे हो सकता है आने वाले टाइम में मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पर कम होती रहें ठीक है तो अदर आप अदर सोर्सेस से अगर मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं भी आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा ना तो टेलीग्राम चैनल मैं हमेशा कहता हूँ कि वो मत छोड़ें कोई भी सब कुछ वहाँ पे है अभी जैसे कल काफ़ी लोग अपनी आंसर की नहीं देख पा रहे थे ठीक है मतलब मार्क्स नहीं देख पा रहे थे तो मैंने कुछ लोगों का डेटा मेरे पास आ गया था तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया था मतलब कि जिससे कि आपको ज़्यादा पैनिक ना हो आपको ये पता चल जाए कि किस शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे एक फाइल अपलोड कर दी गई थी अब जो लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े वो बार बार इसकी वेबसाइट पे चेक करते जा रहे हैं जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े थे कि चलो भैया देख लेंगे मार्क्स जब आएंगे आते रहेंगे रात को बैठ के देख लेंगे मार्क्स अभी सर्वर बिजी जा रहा है तो रफ आइडिया लगी गया कि शिफ्ट में कितने कितने नंबर बढ़ रहे हैं तो वो चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पहले भी डाल दे दी तो ये बेनिफिट मिल जाता है आपको कई बार मैं कहता हूँ कि ये वीडियो इस दिन आएगी नहीं आ पाती तो टेलीग्राम चैनल पर इफॉर्मेशन कर देता हूँ ठीक है तो वहाँ पर एक मैसेज लिखना आसान होता है एज कम्पेयर टू यहाँ पर वीडियो बना के बताना सारी चीजें तो बाय बाय वन टेक केयर हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद जैसे यहाँ पे देखें ना ये स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया था कल ठीक शिफ्ट में अप्रॉक्सीमेटली कितने कितने घट